The residents of villages across the Chifalti River in the Tehri district of Uttarakhand are forced to confront danger on a daily basis as they risk their lives to cross the river. As per villagers, a bridge over the river collapsed due to heavy flooding a few years ago, disrupting connectivity in the region. Since then, the locals have been facing trouble completing their daily chores, such as selling their agricultural produce in the local market and rearing their cattle. बड़ी मुश्किल से चल रहे भाई, यहाँ ऊपर वाला सा रास्ता ये रोड भी खत्म हो गई है, तो कहीं डांड पकड़ के तब दूसरी दुकानें में जाना पड़ता है, गांव की वहाँ से लाना पड़ता है। ये थोड़ी दुकान भैया की है, थोड़े से वहाँ से ले जाते हैं बस, और कोई साधन नहीं है यहाँ। तो अगर कोई बीमार हो गया जैसे, तो बड़ी मुसीबत है भाई जी यहाँ के लिए। तो यहाँ ना डॉक्टर आने जाने का रास्ता है, ना कुछ रास्ता है। जब थोड़ा पानी कम हो गया तो पार कर सकते हैं, बगैर पानी ज़्यादा पानी में पानी नहीं हो सकते हैं। बीमार हो गया तो कहाँ ले जाना, बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 6 महीने का पढ़ाई तो ख़त्म ही समझ लो। फिर वो हमारा जो दिनचर्या है, कहीं खेती का है, कोई अपना बकरी पालन का है, तो आर पार कहाँ से होना है। बकरी को घर में तो पाल नहीं सकते, कहीं चुंगाने ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। एक पुलिया या कोई रास्ता बटिया कोई नहीं। Villagers say that the heavy rains also destroyed most of the houses here, while leaving others partially damaged. Despite funds being allocated for the construction of a permanent bridge, they say construction work has yet to begin. दिक्कत ही ये आई थी सर कि सब चीज ठीक चल रहा था और यहाँ पर PMJSY रोड बना रहा था। 2022 अगस्त 19-20 अगस्त में क्या हुआ कि एक आपदा आई है ना, उसमें क्या है यहाँ पूरा ये खेत थे और इधर काफ़ी सारे 13-14 परिवार जो थे उन आबादी थी, वो लोग रहते थे, उन अच्छे पक्के मकान थे, लेकिन वो सब तहस नहस हो गए, सब बह गए। और जिसके बाद जो है 3 परिवारों का विस्थापन किया और शेषों को 3600 रुपये का चेक देके बोला कि आपके लिए हम प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेंगे, जो कि आज तक नहीं हो पाई। With the absence of a bridge now becoming a serious concern, locals are seeking immediate action from authorities.